तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पे पहला न्यूमेरिकल, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि 7 kg, 15 kg, और यहाँ पर ई निकालना है। जहाँ पे ई निकालना है वहाँ पे मुझे मास चाहिए ही नहीं, मैं इमेजिन करूँगा यहाँ पर क्या मास है, 1 मास है। फिर मैं ये देखूँगा कि यहाँ पे ई कौन लगाएगा, 7 kg, 15 kg लगाएगा, 7 kg इस 1 को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कितनी ई की वैल्यू लगाएगा, जी इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। उसी तरीके से ये 15 kg इसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, जी इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, तो जी एम बाई आर स्क्वायर। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, माइनस जी इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर। ये बड़ा लग रहा है मुझे, ये बड़ा है क्योंकि ये 7/4 है ना, तो इसमें बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, माइनस। तो ये इसका यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन पर केजी, फोर्स अपॉन मास। क्या इस स्टेप क्लियर है यहाँ तक? देखो सॉल्व नहीं करना, जिस वेक्टर बनाने सिखा रहा हूँ, सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल घर के लिए दूंगा, आप घर पे ट्राई करना, अपने आंसर्स निकालना। मेथड समझ में आ रहा है? अब ये तो चलो लास्ट टाइम वाले क्वेश्चन है, ये तो हमने आइडिया है हमें कैसे करना है, वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होगी, जहाँ आपको ई निकालना है ना, जहाँ आपको ई निकालना है वहाँ पर मास क्या एज्यूम करना है, 1। चलो 1 कर लेते हैं। इस पे ई लगाएगा कौन, 5 kg, और 5 kg लगाएंगे कैसे, ये 5 kg इस 1 को अपनी तरफ क्या करने वाला है, अट्रैक्ट, ऐसे करेगा। और इसमें मुझे मालूम है कि ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 4 और 3, ये टोटल कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। तो ई की वैल्यू यहाँ पे जो हमने यहाँ नेट ई निकालना है, पर मान लेते हैं कि 5 kg ने यहाँ पर ई लगाया, और ई की वैल्यू बोलो क्या होगी, जी इंटू 5 kg डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो ई की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। उसी तरीके से ये 5 kg इस 1 को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये भी तो ई लगाएगा, ऐसे फोर्स अट्रैक्टिव है तो ई भी अट्रैक्टिव है। तो ई इसका और इसका एग्जैक्टली सेम होगा क्योंकि सेम वैल्यूज हैं, तो ई की वैल्यू इसकी भी सेम है। अब प्रॉब्लम ये है, ऊपर पॉइंट पर दो दो ई लग रहे हैं ऐसे, और हमें क्या निकालना है, नेट ई। नेट ई दो वेक्टर को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके हैं। पहला पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे को एंगल नहीं पता इनके बीच में। और दूसरा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो रेजोल्यूशन ज़्यादा ईजी मेथड है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं ये एंगल क्या है, थीटा, तो बाई सिमेट्री ये भी क्या है, थीटा। अगर ये थीटा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, या ऑल्टरनेट एंगल लगा लेते हैं, ऑल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है यहाँ तक। ई के दो कॉम्पोनेंट्स बनने वाले हैं, पहला कॉम्पोनेंट इस ई का, पहला कॉम्पोनेंट इस ई का क्या बनेगा, पहला कंपोनेंट बनेगा ये रहा, ठीक, और दूसरा कंपोनेंट यहां बनेगा, ठीक, ये पहला और दूसरा कंपोनेंट है इसमें। तो पहले कंपोनेंट के अंदर ये वैल्यू क्या आएगी, ई ई इंटू कॉस ऑफ थीटा, और उसी तरीके से यहां पे वैल्यू क्या आएगी, नीचे की तरफ ई इंटू साइन ऑफ थीटा, कंपोनेंट्स हो गए ऐसे। इस ई का पहला कंपोनेंट क्या आएगा, ई इंटू कॉस ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट क्या आएगा, ई इंटू साइन ऑफ थीटा। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल। नेट ई की जो वैल्यू आएगी, नेट ई की वैल्यू आएगी 2 e sin थीटा। अब ई की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमें पता है कितनी, जी इंटू 5/5 स्क्वायर, और साइन थीटा किसी ट्राइंगल से निकाल लो, 3/5, सॉल्व कर लेना, न्यूटन पर के जी इज द आंसर। नेट ई की वैल्यू ऐसे आएगी, तो समझ में आ रहा है कि नेट ई कैसे आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कोई डाउट इसमें?